दोस्तों भारत में राजाओं के कई ऐसे किले हैं जो काफी खूबसूरत पर बेहद ही खतरनाक हैं। ये किले देखने में तो काफी आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनकी कहानियाँ उतनी ही डरावनी हैं। इन किलों का अपना एक इतिहास है जो बेहद रोमांचक और रहस्यों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि इन किलों में से कुछ किले इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि यहाँ जाना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है। और आज हम आपको ऐसे ही सात भारत के सबसे खतरनाक किलों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका सफर आपके लिए खतरनाक तो होगा ही पर उससे कहीं ज्यादा रोमांचक होगा। भैरवगढ़ का किला। भैरवगढ़ किला जो महाराष्ट्र राज्य के सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है, ये लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर बना है। दोस्तों इसकी ऊंचाई को देखकर तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, पर फिर भी बहुत से पर्यटक यहाँ इस डर का मजा लेने आते हैं। आपको बता दें ये किला पन्हाला के राजाओं द्वारा बनवाया गया था और इसका उपयोग मराठों द्वारा किया जाता था। बाद में 23 मई 1818 को इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, पर वर्तमान में भैरवगढ़ किले का रखरखाव भारत सरकार द्वारा किया जाता है। किले के पास दो गुफाएं हैं और इनमें से एक में भगवान भैरवनाथ का मंदिर भी शामिल है। इन गुफाओं में मूर्तियों को उकेरा और चित्रित किया गया है और ये सब अभी भी अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर चढ़ने के लिए जिगजैग सीढ़ियों को बनाया गया है, जिस पर चढ़ना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा ये किला कई ट्रैकर्स और रॉक क्लाइंबर्स को भी आकर्षित करता है। यहाँ इस किले पर से आप कोयना के घने जंगलों और पूरे मालसेज घाट का सुंदर दृश्य भी देख सकते हैं। बता दें कि इस खतरनाक किले का मुख्य आकर्षण यहाँ का ये घना जंगल ही है। गोलकुंडा किला। दोस्तों ये गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। ये किला देश के सबसे खतरनाक किलों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले में 8 दरवाजे और 87 गढ़ हैं, जिसमें फतेह दरवाजा किले का मुख्य द्वार है जो हाथियों से बचाता था। ये किला खतरनाक होने के साथ ही भूतिया भी माना जाता है। यहाँ से इतनी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं जिसे सुनकर लोगों की रूह तक कांप उठती है। कई फिल्म शूटिंग ग्रुप्स और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में कोई आत्मा है जो डराती है। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता है तो उसकी आवाज बालाहिसार गेट से गूंजते हुए पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालिया मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि किले में एक रहस्यमय सुरंग भी है जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाने के लिए बनवाया गया था, लेकिन अब तक इस सुरंग का कुछ पता नहीं चल पाया है। दोस्तों इस खतरनाक किले में कभी भी घूमने जाएं तो अकेले बिल्कुल ना जाएं। हरिहर किला। ये किला महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और इस हरिहर फोर्ट को हर्षगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी ऊंचाई को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें कि ये किला लगभग 1300 साल पहले यदुवंशी राजाओं द्वारा बनवाया गया था और यहाँ की चट्टानों को काटकर बनाई गई इसकी विशिष्ट सीढ़ियों के कारण आज यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं। दोस्तों ये पहाड़ नीचे से चौकोर दिखाई देता है, मगर इसका शेप प्रिज्म जैसा है। ये दो तरफ से 90 डिग्री सीधा पर तीसरी तरफ से 75 डिग्री तक झुका हुआ है और इस किले की ऊंचाई 3676 फीट है। दोस्तों इसके टॉप पर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना होता है और ये ट्रैक चिमनी स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ से लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुख्य द्वार यानी महादरवाजा आता है जो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। इसके बाद आगे की सीढ़ियाँ एक चट्टान के अंदर से होकर जाती हैं और ये आपको किले के टॉप पर पहुँचा देती हैं, जहाँ हनुमान जी और भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर के पास ही एक छोटा सा तालाब भी है जहाँ का पानी इतना साफ है कि पिया भी जा सकता है। यहाँ से आगे जाने पर दो कमरों का एक छोटा सा महल है जिसमें 10 से 12 लोग रुक सकते हैं। आपको बता दें कि इस किले पर चढ़ने के बाद यहाँ से दिखने वाले नज़ारे बेहद शानदार होते हैं। यहाँ से बासगढ़ किला, उतावड़ पीक और ब्रह्मा हिल्स का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है, पर दोस्तों इस पर चढ़ने का अनुभव बेहद खतरनाक होता है। साथ ही इस किले की चढ़ाई को हिमालय के पर्वतारोहियों द्वारा दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रैक में से एक माना गया है। मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ किले को 1469 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है और 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। दोस्तों मेहरानगढ़ का ये किला खतरनाक होने के साथ साथ विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित भी है। इन दीवारों की ऊंचाई 20 फीट से 120 फीट तक है, वहीं दीवार की चौड़ाई 12 फीट से 70 फीट तक है। यहाँ से जोधपुर के साथ ही पाकिस्तान भी साफ नजर आता है। वहीं किले के अंतिम द्वार लोह पोल के बाईं ओर जौहर करने वाली रानियों के हाथों के निशान हैं, जहाँ 15 से ज्यादा
रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जौहर ले लिया था। किंवदंतियों की माने तो इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानियों और 58 पटरानियों ने राजा के निधन के बाद जौहर कर लिया था। आपको बता दें कि ये किला शापित है। इस किले को मिला हुआ शाप आज तक इसके आसपास रहने वाले लोगों को सताता है। प्रतापगढ़ का किला। प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है, जो कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये किला समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आपके लिए इस पर चढ़ना रिस्की हो सकता है। आपको बता दें, ये मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1656 में बनवाया गया था। उन्होंने इस किले को नीरा और कोयना नदी की ओर से सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से बनवाया था। दोस्तों, अगर आप प्रतापगढ़ की यात्रा करते हैं तो आपको इस यात्रा में हरे भरे जंगलों और चट्टानी इलाकों के साथ मध्यम चढ़ाई का भी सामना करना पड़ता है, और साथ ही आपको इस किले में माँ भवानी और शिव जी का मंदिर भी देखने को मिलता है। भानगढ़ का किला। दोस्तों, ये किला भारत के सबसे खतरनाक किलों में से एक माना जाता है, और साथ ही ये भारत की मोस्ट हंटेड जगह भी है। आपको बता दें कि भूतों का गढ़ माना जाने वाला राजस्थान का भानगढ़ किला अक्सर चर्चाओं में बना रहता है। यहाँ कई पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग अक्सर रिसर्च करने आते रहते हैं। किसी ने यहाँ भूत होने का दावा किया तो किसी ने महज अफवाह करार दिया। बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने से मना कर रखा है। इस किले के भूतिया होने के पीछे का प्रमुख कारण राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिद्धू सेवदा की एक तरफा प्रेम कहानी को माना जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस किले में रूहानी ताकतें हैं। कई लोगों ने ऐसी घटनाओं का भी जिक्र किया जिसमें लोग यहाँ रात में गए तो लेकिन फिर कभी वापस लौटकर नहीं आए। दोस्तों, इस किले में जाना हर किसी के बस की बात नहीं। प्रबलगढ़ का किला। दोस्तों, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित ये प्रबलगढ़ किला भारत का सबसे खतरनाक किला माना जाता है। ये किला समुद्र तल से 2300 फीट की ऊंचाई पर है। आपको बता दें कि इस किले पर चढ़ना बेहद रिस्की है। इस किले पर चढ़ने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां तो बनाई गई हैं, लेकिन इन सीढ़ियों पर ना तो रस्सियां हैं और ना ही कोई रेलिंग। मतलब अगर चढ़ाई के समय जरा भी चूक हुई या पैर फिसला तो इंसान सीधे 2300 फीट नीचे खाई में गिरता है। ये किला इतना खतरनाक है कि यहां चढ़ाई करके वापस लौटाना मतलब मौत के मुंह में जाकर निकलने जैसा है। दोस्तों, इतिहास में इस किले का उपयोग प्रहरी दुर्ग के रूप में किया जाता था, और तब इस किले का नाम मुरंजन किला हुआ करता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में इसका नाम बदलकर प्रबलगढ़ रख दिया गया, और ये आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक किलों में से एक है। आपको बता दें कि यहाँ पानी और बिजली जैसी कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में जो भी यहाँ आता है वो 3 से 4 लीटर पानी लेकर आता है। इस किले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ बेहद कम लोग आते हैं, और जो आते हैं वो सूर्यास्त होने से पहले ही लौट जाते हैं, क्योंकि शाम होते ही यहाँ मीलों दूर तक सन्नाटा फैल जाता है, जिससे यहाँ दहशत का माहौल होता है। इसलिए अगर आप खौफ को मात देने का साहस और सीने में मजबूत जिगर रखते हैं तो ही यहाँ जाएं। आपको बता दें कि इस प्रबलगढ़ किले को ही कलावंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा किला सबसे खतरनाक लगा, और यदि आपको जाने का मौका मिले तो आप इनमें से कौन से किले पर जाना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।